अ सम ऑफ मनी बिकम थ्री टाइम एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एट वॉट रेट परसेंट विल इट बिकम 6 टाइम इन द सेम टाइम। मतलब जितना तीन गुना जितने टाइम पे होता है, 6 गुना होने के लिए हमको रेट कितनी पड़ेगी, तो यहाँ पर तो 5% है, तो रेट हमको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, सेम टाइम पे 6 गुना हमको करना है। देखो जब भी कभी यहाँ पर 6 गुने की अगर हम बात करते हैं, 3 गुने की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, डबल पैसा कितने साल में हो रहा है। तो 5% की रेट है, आपको डबल जब भी निकालना हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड, या डायरेक्ट आप यहाँ पर कर लो, 5% इक्वल टू कितना होता है, 1/20, मीन्स 20 ईयर में पैसा डबल हुआ होगा। ये बात यहाँ पर अप्रोच समझो, ठीक है। तो 1 रुपए से यहाँ पर 1 रुपए से आपका 2 रुपए बना होगा, तो 1 रुपए आपको यहाँ पर मिला होगा, ठीक है। ये कितने साल में मिला, ये आपको मिला होगा 20 ईयर में। अब 3 गुना हुआ था पैसा, मतलब 3 रुपए, अगेन आपको यहाँ पर 1 रुपए मिला होगा, ये कितने में मिला होगा, ये भी आपको 20 ईयर में। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि टोटल 1 से 3 बनाने में कितना साल लग गए होंगे, 20 और 20, ओवरऑल कितना, 40 ईयर लग गया होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं इसी 40 साल में किस रेट पर पैसा लगाया जाए कि 6 गुना हो जाए। तो आपका 1 रुपए है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 1 रुपए से 6 गुने का मतलब है 6 रुपए हो जाए। अब 1 रुपए से 6 रुपए यहाँ पर हो जाए, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना टोटल होगा। इंटरेस्ट तो आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 और 1 2 था, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपका टोटल 5 आएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो 5 रुपए हमको 40 साल में 6 गुना कर, 6 गुना करना था 40 साल में, तो 1 रुपए कितने साल, 8 साल में, यानी यहाँ पर 8 ईयर आ जाएगा। बात इतनी क्लियर है। अब आपको ईयर यहाँ पता चल गया, तो अगेन आप क्या करोगे, 8 इक्वल टू क्या होता है, ये आपका आता है 1/, अच्छा ये आता है 12, राइट, 1/2, कितने परसेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो इतने परसेंट के ये बराबर होता है, तो आंसर आपका 12.5% हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं आती बात, 8 साल में पैसा डबल हो रहा है, सीधा 100 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, 8 से डिवाइड करोगे, अगेन आपका आंसर 12.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।